शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम इधर आओ। तू तो बड़ी तकदीर वाली है, है? जो तुझे मेरे निशान का आशीर्वाद मिल गया। आओ, यहाँ पर पड़ी हर चीट पर ऐसा ही निशान है, सिर्फ एक चीट छोड़कर, जिस पर मेरा ये निशान नहीं है उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है वहां मौत है मौत। ले बेटी, एक साल के लिए इसे माथे पर लगा ले, जा भाग। बैठ। किसी बच्चे ने इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, इसने मेरा दिल जीत लिया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हंसो, जोर से हंसो, स्टूल लाओ। तुमने हमारा दिल जीत लिया है, ये देखो मैंने तुम्हें राजा का हार पहना दिया, और अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगा। कहानी? हाँ, एक सच्ची कहानी। लो सेब खाओ, सेब खाओ। सुनाओ कहानी। एक था राजा, सारी रियासत में उसी का राज था, उसी का झंडा लहराता था, वो देखो झंडा। बेटे फिर कुछ पागल चिल्लाने लगे कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, और तभी एक पागल ने मेरा सुंदर सा झंडा हटाकर उसकी जगह तीन रंग का तिरंगा झंडा लगा दिया। अरे हमारा झंडा तो अंग्रेजों ने भी नहीं हटाया था, फिर एक हिंदुस्तानी कैसे हटा सकता है? राजा को गुस्सा आया, उसने तलवार उठाई और तिरंगे झंडे वाले का सर काट दिया।
वो था राजा, और राजा तो कुछ भी कर सकता है, कर सकता है ना? हाँ, कर सकता है। बड़े समझदार बच्चे हो। लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। फिर क्या हुआ? फिर तिरंगे झंडे वाले की पुलिस आ गई। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। सब लोग राजा से डरते थे। राजा से डरना ही चाहिए ना? समझदार हो, बहुत समझदार हो। लेकिन तुम्हारी उम्र का एक बच्चा बोल पड़ा कि तिरंगे झंडे वाले का खून राजा ने किया है। उन्होंने राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजा की रानी ये देखते ही मर गई। उस छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सब कुछ मिटा दिया, खत्म कर दिया। तभी राजा ने सोचा कि जब तक इस देश के बच्चे हिम्मत वाले होते रहेंगे, तब तक राजाओं का राज नहीं चल सकता। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि राजनगर के लोगों के दिल में इतना डर, इतना खौफ भर दूं कि हिम्मत के लिए उनके दिल में जगह ही नहीं रहे। और इस बच्चे ने तो आज हमारा दिल जीत लिया है। हम इस पर बहुत खुश हैं। आज सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। नाचो नाचो नाचो। तू डर देता है तो उसकी दवा पहले पैदा कर देता है। तूने ये शैतान तो बना दिए, लेकिन इनके जुल्म से बचाने के लिए फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? या अल्लाह। काला हीरो आला रे। होल्ड सर, मेरा नाम है रामोजीराव, राणोजीराव, शिवाजीराव का एक बार जाड़ी मुकर जो ठांग के बड़े बड़े को टांग चुका हूँ। अगर मेरे इलाके में चोर चकारी की तो तुम दोनों को भी टांग दूंगा, समझ लाज का है? चोरी? जब से आपने चार संभाले थी चोरी छूट गई हमारी। आजकल तो हम सोशल वर्क करते हैं। गुड सर। सर आपके पास दो चिकन तंदूरी, दो चिकन फ्राई, दो चिकन पाई, दो चिकन हांगकांग, दो प्लेटें पिंग पॉन्ग, सारे गांव पधनी सा, सारे धापा मगरे सा, 12 प्लेटें हो गई, 12 प्लेटें आप खा चुके, सब मिलाकर हो गई 24 प्लेटें। 24 और ले आओ। क्या 24 प्लेटें और? एक काम करो, 24 रहने दो, दो दर्जन ले आओ। ये बात हुई ना? ओके 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 ओके। अरे सुनो, रेड पैरेट
यस सर। वो अपने धीरू भाई है ना, उसे कोई मुर्गी मुर्गी खिलाए कि नहीं? धीरू मुर्गी नहीं खाता, मुर्गी का दूध पीता है। उसका बस चले तो वो बटेरी का चींटी का दूध भी पी जाए। उसे मलाई मार के दूध पिलाओ। वाह, दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और। खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दूध 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 थारू गाय का हो, आप जैसी। मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दूधारू और तंदुरुस्त नहीं है? आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजी देखने से तो पता लगता है ना। देखने से? हाँ, वो कहा है कि आजकल हम तुम्हारे पिछवाड़े जो रहने लगे, अक्सर तुम्हारी बंधी हुई गाय नजर आती है, बहुत तंदुरुस्त है। कभी कभी आ जाएं घर दूध पीने के लिए? हाँ, मोस्ट वेलकम। अभी चलें? अभी? हाँ, वो कहा है कि हम मथुरा के रहने वाले हैं ना, किशन कन्हैया की नगरी के, इसलिए दूध के मामले में वो आपके नोट गिर गए। कहा कह रहे थे हम दूध के मामले में सब्र नहीं कर सकते, चाहे वो दूध किसी गाय का हो या भैंस का हो। और सांड का? तुम? हाँ मैं। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गया ना तुम्हारे ठिकाने तक। कहाँ है वो तेरा दूसरा साथी? उस दिन तुम लोगों ने मेरा 5 लाख का नुकसान कराया, आज बदले में मैंने 5 मन सान का दूध ना पिलाया तो मेरा नाम भी छेदी राम नहीं। अबे हट छेदी राम, आज आपने गलत जगह हाथ डाल दिया ना। मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। पहली बात तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी वेरी बिजी ड्रिंकिंग काउज मिल्क। और दूसरी बात ये कि आज मेरा फाइटिंग डे नहीं है। फाइटिंग डे उसका देख, वो बैठा, उसको जाके सांड का दूध पिला। हाँ, और मेरे को गाय का दूध पीने दे। अबे ओए। हाँ समझ गया समझ गया। देख, अगर तैने उसको चित कर दिया तो समझ ले मैं भी चित, और तेरे 5 लाख का नुकसान मैं भरूंगा। अब जा, डू नॉट डिस्टर्ब। ये बात है? हाँ। तो फिर देख तमाशा। हाय हाय। ये भी गया? ओए, तू आदमी है पत्थर का थैला, कोई रेक्स नहीं दे रही है? ओए मोटे, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं मार रही हूं, तू खा रही है? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो आप मैं खाना खिलाता हूं। अबे छेदी राम, अब तेरे छेद का क्या होगा? अरे अरे क्या कर रही हो? आता हूं आता हूं। खत्म हो गया, डू नॉट डिस्टर्ब। क्यों रे छुद्दो, तेरे भेजे के छेद खुले के दुमक रख के? नहीं नहीं उस्ताद, 15 किलो का हाथ दोबारा नहीं खा सकता। छुद्दू राम जी, 15 किलो का हाथ भारी लगे तो उंगली चलेगी क्या? नहीं ना उस्ताद, इस जन्म के लिए अब गुरु में चला। एक बात सुन ले छेदी राम, कोई हेरा फेरी करे तो भी छोड़ दूं, चोरी चिकारी करे तो भी मैं छोड़ दूं, और कोई छोरी ने छेड़े उसे भी मैं माफ कर दूं, पर कोई मेरे भोजन की तरफ आंख उठा के देखे, उसकी आंख नोच लूं, उसकी टांग पे टांग रख के चीर के सब उसके गले में डाल के उसके बेबे के पास भेज दूं मैं। उस्ताद इस बार माफ कर दो। क्या माफ किया? तू माफ की देने वाला कौन है? बहन के टके तेरा के बापू लग गया। अरे ये सब छोड़ो, घर में तूफान आया है, रामू से पूछो। बता यार क्या हुआ? गायत्री दीदी बहुत गुस्से में है, सुबह से अब तक भूखी प्यासी तुम लोगों का इंतजार कर रही है।